अरे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से मई मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों 27 मई के दिन जो है ना, आप लोगों का इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है। तो अभी कैसे वीडियो में ना हम लोग इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आपको बताएंगे। बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का यह आंसर के आप लोगों का होने वाला है, और बिल्कुल मैं आपको डाउनलोड करने के लिए सिखाऊंगा। प्यारे बच्चों, कहाँ से आप डाउनलोड कर पाइएगा, बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर की होगा। और इसके बाद जो है ना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन वगैरह भी हम लोग दिखाएंगे इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें। उसके लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का भी प्रेस कर दें। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कैसे आप लोग इसको डाउनलोड कर पाइएगा। जो आपको क्या करना है, सबसे पहले ना अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, ठीक है। गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को, उसके बाद आपको सर्च बार का आइकन देखने को मिल रहा है, बस उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। और अभी आप लोग जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो फटाफट से आपको चैनल का नाम सर्च कर लेना है, ठीक है। तो मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग क्या करेंगे, पहले सर्च कर लेना, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करो, तो बिल्कुल आप आराम से डाउनलोड कर पाओगे। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करोगे पहले बच्चों, फर्स्ट में आपके सामने जो है मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। एक बार मैं आपको जूम करके भी दिखा दूँ, तो बस इसी पर आपको क्लिक कर लेना। चलिए फिर आपसे क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने पहले बच्चों इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, आराम से स्क्रॉल डाउन करना, इस प्रकार से नीचे चला है। जैसे जैसे आ रहा हूँ वैसे वैसे आपको भी करना है, ठीक है। आप वैसे ही करना आप लोगों को है, और एग्जाम से पहले पैर बच्चों, एग्जाम से पहले ना बिल्कुल यहाँ पर आंसर अपडेट रहेगा, ऑब्जेक्टिव पहले डाल दो। देखो यहाँ पर क्लास 12th का सेशन है, यहाँ पर फर्स्ट में क्लास 12th का सेशन में जो फर्स्ट में लिखा मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद पैर बच्चों आपको क्या करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए जो है ना नीचे इस प्रकार से चले, इस प्रकार से आइएगा। तो देखिएगा पैर बच्चों, यहाँ पर ना सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसी चैनल पर ना क्लास 12th वाले बच्चों के लिए जो ना साइंस आर्ट्स दोनों का जो ना पैरा बच्चों, साइंस आर्ट्स दोनों का क्लास चलता है। तो मैं आपको बता दूं, साइंस पैरा बच्चों का ना डेली चलता है पैरा बच्चों, शाम में 7 बजे क्लास और 8 बजे चलता है आर्ट्स के बच्चों का। तो आप लोग 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना। और पैर बच्चों ये रहा व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, तो यहाँ पर दोनों ज्वाइन आप क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। इस बार नंबर भी मैं आपको दे रहा हूँ, नंबर आप देख लीजिए 9355-16710, ठीक है। 9355-16710 आप लोग इस नंबर पर अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th, साइंस आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट हो आराम से भेज देना, मैं आपको ग्रुप में एड कर लूँगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना पेपर डाउनलोड करने के लिए, पर बच्चों आप आएंगे ना तो देखिए हिंदी इंग्लिश जो ना साइंस आर्ट्स दोनों सेशन में मिलेगा। तो आप ये देखिए साइंस का सेशन है, यहाँ पर आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों है, ठीक है। तो आप डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, आर्ट्स के सेशन में भी आकर के कर सकते हो। आर्ट्स का सेशन रहा ये पैर बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर देखिए जिनका बचा हुआ है जैसे हिंदी इंग्लिश है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आर्ट्स वाले बच्चों का ऑलमोस्ट अभी एग्जाम बचा हुआ है, फिलोसफी का, हिस्ट्री का, सोशोलॉजी का, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट का बच्चा अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डाउनलोड कर लेना, होम साइंस, उर्दू, इकोनॉमी, ठीक है, म्यूजिक का भी सारा आपको यहाँ पर जो ना संस्कृत, मैथिली सारा मिल जाएगा। तो हमें करना है पैर बच्चों क्या, यहाँ भी हिंदी का, इंग्लिश का डाउनलोड करना है ना। तो इंग्लिश के लिए क्या करेंगे पैर बच्चों, यहाँ पर जैसे कि डाउनलोड इसके सामने, इंग्लिश के सामने इस पर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको देखो एक चीज करना है पैर बच्चों, ऊपर से नीचे की और स्क्रॉल डाउन करना है। इससे क्या होगा कि हम ना कभी कभी अपडेट करते रहते, अपडेट करेंगे ऐसे करिएगा ना, तो इससे रिफ्रेश हो जाएगा और जो अभी अपडेट किया होगा लेटेस्ट वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना है, इंग्लिश के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है इस प्रकार से आइएगा। तो यहाँ पर देखिए पैर बच्चों आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आपको चले आना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आइएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का ना अभी देखो रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेता हूँ डाला हूँ कि नहीं। तो देखो रिफ्रेश कर लिया हूँ, देखता हूँ अपडेट हुआ है फिर, ठीक है। तो चलो फटाफट से देख लो, यहाँ देखो पैर बच्चों आपके सामने यहाँ पर बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो। चलो तो अभी देखो ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर नहीं डाला गया, इसमें ऑब्जेक्टिव का ए बी सी डी करके आंसर की जैसे ही डाला जाएगा जल्दी डाल जाएगा। आप लोग ना चेकआउट करते रहना एग्जाम हॉल में जाने से पहले, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल आपको टिशू का डाला हुआ मिलेगा, इसके बाद जस्ट नीचे आओगे तो सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आपको इस पैराग्राफ में यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए पैर बच्चों उसके बाद आपका इंग्लिश हिंदी का भी पेपर होगा, तो हिंदी के लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी के सामने यहाँ से आप आकर के अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।